السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أوتيته على علم عندي अवालम याम्कमिन कबिल मिन हुआ शद्द मिन अक्सर जमा वालयुस अल दोनों बेमुलमुजरम महतरमदीनी व इस्ला भाईओं नौजवान साथियों बुजुर्गों अल्लाह रब्ल के जो शिक्र गुज़ार बंदे होते हैं और जिनको हर वक्त अल्लाह रबुल्ज़त के एहसान का एहसास होता है उनकी एक बहुत बड़ी पहचान और आरामत ये होती है कि जब भी उनको अल्लाह इज़्ज़त की जानिब से कोई नेमत मिलती है और उन्हें किसी भी शक्ल में कामयाबी की शक्ल में या किसी भी तरीक़े से किसी भी शक्ल में उनको अल्लाह की जब कोई नेमत हासिल होती है तो वह फौरन उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ़ करते हैं उस नेमत को फ़ौर जो है अल्लाह से जोड़ते हैं ये शुक्रगुजार बंदे की बहुत बड़ी पहचान बहुत बड़ी आलामत है इससे पहले कि वो ये कहें कि ये मेरी मेहनत की वजह से है मेरी हुनर की वजह से है मुझ में जो इल्म है मुझ में जो टैलेंट है उसकी वजह से ये मुझको मिला है वो हमेशा अल्लाह की हर नेमत को अल्लाह से जोड़ देते हैं जब एक आदमी का ये मिजाज होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि इंसान के पास जो कुछ होगा मेहनत के बाद इंसान को जो कुछ मिलेगा इंसान उसमें सुकून महसूस करेगा उसमें खुश रहेगा दूसरी चीज़ इंसान के अंदर किब्र और गुरूर नहीं पैदा होगा तीसरी चीज़ कि इंसान जो है परेशान नहीं रहेगा सुकून महसूस करेगा उसके अंदर तकब्बुर नहीं पैदा होगा कुर मजद में एक किरदार अल्लाह रबुल्ज़त ने ज़िक्र किया है एक इंसानी तारीख का सबसे मशहूर और अमीर तरीन आदमी क़ारून का जिक्र किया है उसका मिजाज देखिए क्या है वो माल पाने के बाद अल्लाह की नेमत पाने के बाद क्या कहता है इन नमा ऊती तो अलाबिन जब उसको कहा गया कि ये सब कुछ अल्लाह रब्ज़त ने तुझको दिया है लिहाज़ा अल्लाह ने जब तुझ पर एहसान किया है तो तू भी अल्लाह के मखलूक़ पर एहसान कर व अहसिन कमा अहसन अल्लाह का कि अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया देकर ये सब कुछ ये जाहो जलाल ये माल ये दौलत ये ख़ज़ाने ये तरह तरह के ख़ज़ानों के अंबार ये सब कुछ तुझको अल्लाह ने देकर तुझ पर एहसान किया है लिहाजा तू भी अल्लाह के मखलूक़ को देकर उस पर एहसान कर तो आदमी जब ये दिल में एहसास रखेगा कि ये चीज़ मुझको अल्लाह ने दिया है सो मुझको किसी ने दिया है लिहाजा मुझको भी देना चाहिए ये जब इंसान अल्लाह की नेमत को पाने के बाद ये एहसास रखेगा तो वो खुद भी उसका सही इस्तेमाल करेगा कि भाई अल्लाह का दिया हुआ माल है अल्लाह की दी हुई चीज़ है इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है इसलिए कि आखिरत में हिसाब देना है और जब अल्लाह ने मुझको देकर मुझ पर दे एहसान किया सो मुझको भी किसी और को देना चाहिए कारून क्या था कारून ने यही कहा कि मेरे इल्म की वजह से मुझको मिला है किब्र में गुर में ने उसको क्या कहा अवालम याद मन हुआ शवत हुआ अखसर जम कि भला कारन को कोई बताए कि कारून से पहले इससे पहले ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिस बात का वो दावा कर रहा है और जिस गुमान में वो मुबतला है उसको कोई बताए कि उससे पहले ऐसे बहुत सारी कौमें बहुत सारे लोग टैलेंटेड लोगे लोग ताकत वाले लोग और माल वाले लोग गुजरे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाक कर दिया यानी अल्लाह के पावर के सामने अल्लाह के अज़्म के सामने अल्लाह के इरादे के सामने कोई चीज़ उनको काम नहीं आई तो आदमी क्या है उसका अंजाम देखिए कानून का अंजाम क्या हुआ उसके इसी गुमान ने और उसके इसी गलत इरादे ने क्या किया उसको तबाह बर्बाद किया फाख सफ़ नाबी हो बार उसके खजानों समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके नौकरों चाकरों समेत अल्लाह तबारक व ताला ने उसको ज़मीन में थसा दिया वही कुरान में देखिए अल्लाह ताला एक किरदार जिक्र कर रहा है अपने शुक्रगुजार बंदे बंदेरत सलेमान सलात वसलाम का जिक्र अल्लाह ताला कर रहा है जिसको अल्लाह ने क्या किया नबूवत दी और उनके दरबार में बादशाहत भी दी और उनके दरबार में आपने पढ़ा होगा आप सुनते भी होंगे जानते भी होंगे कि इंतहाई गैर मामूली सलाहियतें इसको कहते हैं ना एक्स्ट्रा गैर ऑर्डीनरी ग़ैरमूली सलाहियतेंरत समान सलात वसलाम की दरबार में मौजूद हैं जो पलक झपकते बिल्किस का तख्त उठा कर ले आ सकते हैं। और लाया भी ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह तबारक तआला की नेमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे सुलेमान को नवाजा लेकिन देखिए क्या करें हाजा रबी ये मेरे रब का फजल है लिया बलो अनी आशकुर वो देखना चाहता है मुझ पर यह फ़जल करके वो मुझको देखना चाहता है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह की ना फरमानी करता हूँ मेरे भाईयों जिस तरीके से खुशी जिस तरीके से ग़म के हालात में मुसीबत के वक्त हम लोग ये कहते हैं ना कि किस्मत में लिखा था अल्लाह ने चाहा तो हो गया भाई ख़ुशी भी देकर अल्लाह आजमाता है जिस तरीके से दुख और मिजाज क्या है कि जब कारोबार अच्छा चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो अपने खाते में डाल लिया और जब नुकसान हो गया घाटा हो गया तकलीफ़ पहुंच गई तो अल्लाह के खाते में डाल दिया अच्छा हुआ तो मैं और ख़राब हुआ तो अल्लाह की तरफ से ये तो किस्मत में लिखा था हो गया भाई किस्मत में कहते ना अल्लाह ताला मुझको आज़माता है भाई आजमा रहा है अल्लाह की आजमाइश है तब तो आदमी बहुत मतकी पर रेजदार बन जाता है भाई जिस तरीके से अल्लाह लेकर आज़माता है ना उसी तरीके अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है ये दोनों बात हमको ख्याल में रखना चाहिए तो मेरे भाई ख़ुलासा ये है कहने का कि जब भी अल्लाह रबुल्ज़त की जानिब से कोई भी नेमत मिले कामयाबी की शक्ल में तरक्की की शक्ल में कारोबार की तरक्की की शक्ल में किसी भी शक्ल में जब अल्लाह की कोई नहमत मिलती है तो उसको फ़ौर क्या है उस उसमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र हाजा मिनफ़ल द रबी यह मेरे रब का फ़जल है हमारे यहाँ तो हम लोग लिखते तो ज़रूर हैं बड़े बोर्ड में लिखते घर के बाहर लिखा हुआ हाजा मुनफल दबी अगर कुछ सेकेंड के लिए मिनट के लिए गाड़ी खड़ी कर दी किसी ने फ़ौर आदमी निकल के डांटता है ये तेरे बाप की ज़मीन है नहीं झगड़ा होता भाई नहीं गाली गुरुज होता है ऐसे होता है और लिखा हुआ माशा अल्लाह इल्ला मिन बिनफ रब्बी लिखा तो है लेकिन क्या अपने सोच के अंदर इस बात को पैदा किया उसने नहीं पैदा किया अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे और अल्लाह की जो भी नेमतें हैं अल्लाह ताला हमें उसको सही इस्तेमाल करने की तोफ़ी क़़ा फ़रमाएँ आमी वसलम वरह वा ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान